गाइस, तो रात को मैं निकल चुका हूँ ड्यूटी से, और ड्यूटी से निकल के सीधा मैं चला मेरा स्कूटी के तरफ, क्योंकि आज जाएगा मेरे साथ मेरा बेस्टी, जो कि डिनर के लिए मैंने इनवाइट किया है क्योंकि उनको खाना था पोर्क। तो मैं चला मार्केट के तरफ, और मुझे थोड़ा डाउट था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिल गया था गाइस। तो एक दुकान खुला था और फाइनली हमको मिल चुका है पोर्क जो हमें चाहिए था। पोस्ट देते हुए भैया ने अच्छे से काट दिए, और मुझे चाहिए था लाइका साग, वो भी मुझे मिल चुका है। तो और क्या बाकी सब था, तो बिंदास हम लोग घर चल दिए, पहुंच भी गए हैं। तो पहले तो मैं उसको बॉयल में बैठाता हूँ पोर्क को, उसके बाद मैं सब्जी कटिंग करूँगा, और मेरे दोस्त को बोला तुम फ्रेश हो क्या हो, तब तक मैं बनाता हूँ जितने मेरे से जल्दी होता है, और साग को भी मैं अच्छे से धो लेता हूँ। और मैं क्या सब्जी काटने बैठ जाता हूँ अपना बोठी दाव लेके। पहले तो अनियन, लहसुन, मिर्ची ये सब मैं अच्छे से काट लेता हूँ, और काटने के बाद साग को अच्छे से काट के साग को भी मैं साइड में रख देता हूँ। और क्योंकि मैं एक दाल बनाने वाला था गाइस, वो भी बॉयल टाइप का, तो उसमें मैं डालूंगा एक आलू और एक टमाटर बस, और कैप्सिकम रह गया था उसको मैं डालूंगा जो मैं पोर्क फ्राई करने वाला हूँ। तो गाइस ये मैं सब्जी पूरा कंप्लीट काटता हूँ। रसन वसन काटने के बाद फाइनली मैं जो बैठाया था पोर्क वो बॉयल हो चुका है, उसको मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद कढ़ाई को गर्म में बिठा के रसन को मैं अच्छे से पीस लेता हूँ। तो फाइनली कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें तेल डाल के प्याज मिर्चा डाल के उसको अच्छे से थोड़ा टाइम पकाने के बाद मैं इसमें डालूंगा कैप्सिकम, और कैप्सिकम डालने के बाद इसमें डालूंगा फाइनली पोर्क। पोर्क डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगा नमक, हल्दी, आपका रहेगा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर। ये डालने के बाद लहसुन ऐड करूंगा, इसमें ऐड करने के बाद इसको सिर्फ मैं फ्राई करूंगा। अभी फ्राई करने के बाद इसको हाफ में निकाल लूंगा, क्योंकि हाफ जो है ऐसे ही फ्राई खाएंगे, और हाफ जो है उसको मैं पकाऊंगा लाई के साग के साथ। तो हाफ जो है वो मैं निकाल लिए हैं, और मैं अब इसमें डालूंगा साग। और गाइस साग बहुत सारा था, लेकिन आप देखिएगा जब मैं डालता हूँ पूरा, और ये मैं बस एक मिनट तक पकाता हूँ, तब तक पूरा का पूरा साग इसमें से गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो सूज जाता है। और बहुत ही अच्छा दिख रहा था, मैंने टेस्ट भी किया था गाइस, बिलीव मी बहुत ही टेस्टी हुआ। उसके बाद क्या, मैंने कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर में राइस बैठा दिया था, राइस हो चुका था। फिर मुझे कढ़ाई को धो धा के बैठाना था दाल इसमें। तो चलिए, मुझे थोड़ा बॉयल टाइप का खाना था इसलिए मैंने तेल बहुत ही कमती डाला हुआ है, और इसमें मैंने जो मूंग मसूर दाल है थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है, और इसमें मैंने टमाटर आलू एक ही साथ थोड़ा टाइम लाइक 30 सेकंड जैसे पकाने के बाद मैं इसमें गर्म पानी डालता हूँ, और डालने के बाद थोड़ा टाइम पका के इसमें मैं नमक डाल के ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि ये जब आधा पक जाएगा तब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर और हल्दी। और डालने के बाद ये मेरा पूरा जो बॉयल प्रोसेस है पक जाएगा गाइस। ये बहुत हेल्दी होता है, और आप आराम से इसको बना के खाइएगा, खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा ही है, ऐसा खराब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें तड़का नहीं होता है। और ये डन मेरा पक चुका है, और ये मैं अभी देने वाला हूँ दोस्त को, पहले तो दोस्त को खिला लेता हूँ, खिलाने के बाद मैं खाऊँगा। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो डिनर का, आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।